मध्य प्रदेश के देवास जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के निर्देश में बागली पुलिस द्वारा आपकी पुलिस आपके द्वारा अभियान चलाते हुए सभी गांव में ग्राम चौपाल एवं शासकीय अशासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं से संवाद कर पुलिस कानून और अपराधों के प्रति जानकारियां साझा की। बागली थाना प्रभारी अमित सोनी का नया अंदाज देखा जा रहा है, जिसमें पहली बार बागली पुलिस में देखने को मिल रहा है कि पुलिस सीधे साधे अंदाज में ज़मीन पर बैठकर आम जन से जुड़कर बातें साझा कर रही है और उनकी पुलिस से जुड़ी समस्याएं सुनकर हल भी कर रही है। बागली थाना प्रभारी अमित सोनी और महिला एसआई मोना राय द्वारा बागली थाना क्षेत्र के सभी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों से संवाद कर उन्हें अपराधों के बारे में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समझाइश दी। तो वहीं अपराधों पर नियंत्रण को लेकर ग्रामीणों से भी ग्राम चौपाल का आयोजन कर संवाद किया जा रहा है, जिससे पुलिस द्वारा समझाया जा रहा है कि यदि आसपास किसी भी गलत गतिविधि संचालित होती नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, देवास के द्वारा एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें आम जन से संपर्क कर उन्हें अपराधों के संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में और अन्य अन्य तरीके से पुलिस के संबंध में अवेयर करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसे ग्राम चौपाल जनसंपर्क अभियान का नाम दिया गया है। इसके तहत हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को अपराधियों के प्रति सचेत रहने के तरीके बता रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरह से नशे में लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो उससे अपनी बचत के लिए जो उपाय है और संभावना है उनसे आगाह करा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।